Hey, what's up, guys? हम है आपके जुड़वा सुशांत और निशांत। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। तो गाइस, कंगवा मूवी से एक गाना आया है जिसका नाम है फायर सॉन्ग। पहले ही फायर सॉन्ग दिया है भाई ना? बिल्कुल, पहले दे दिया। ओके, नाम फायर है कि गाना भी फायर है? अभी पता चलेगा, बाद ही पता चलेगा गाइस, है कि नहीं? क्योंकि और इधर चलो आर्टिस्ट का नाम अपन बाद में लेंगे, पर एक चीज मैं बोलता हूँ गाइस, देवी श्री प्रसाद का म्यूजिक है। क्या तो बात है? देवी श्री प्रसाद जो है वो ऑलरेडी लेजेंडरी आर्टिस्ट है, बहुत बढ़िया। और उनको एक्चुअली पता है कि कौन से थीम को कैसा गाना बिल्कुल, देना बिल्कुल, चाहिए। बहुत अच्छे से, तो ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए सीधा वीडियो पे आते हैं। आपका काम ये है कि नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, ऐसे ही सजेशन जरूरी है गाइस। और देखते हैं, सुनते हैं कंगुआ का फर्स्ट सॉन्ग, फायर सॉन्ग। चलो यार, लिरिकल सॉन्ग है ये, ठीक है? और देखते हैं कैसा रहेगा, क्या रहेगा, उसके बारे में बात करते हैं, रिव्यू करते हैं। और चलो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना गाइस, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, लगा दे। विजुअल्स काफी अच्छे। अगर बड़ा वाला ये नहीं क्या? वो बड़ा वाला ना, उससे आवाज निकल आई है। क्या बात है? हाय, क्या बात है, क्या बात है, बाप रे, पावर, क्या बढ़िया यार, मस्त अरेंजमेंट है, क्या बात है। राखी वाली मेरे को रिदम अरेंज में बहुत ज्यादा अच्छा लगा। यहाँ था मगर जो यहाँ था वो हम थे, क्या बात है। नहीं, संख्या के बिन संख्या पर जो यहाँ था वो हम थे। वाओ, अग्नि की जो पहली लपटों से खेला हो, अग्नि में ही जो फला और फूला वो हम। वाओ, ऐसे क्वार्ट्स रहे थे। कटार लेके आ, तलवार लेके आ, हजार लेके आ जा। क्या बात है, बाप, गाइस मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ, गाने का रिदम अरेंजमेंट बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। एक चीज मुझे तो पसंद नहीं आई, वो बीपराग का आवाज उसमें नहीं जा रहा है। बीपराग का आवाज थोड़ा सा अलग है। हाँ, बीपराग अपने वो लव सॉन्ग हो गए या दिल टूटे वाले सॉन्ग हो गए, दिल टूटे स्पेशली, हाँ। दिल टूटे और जो कौमी नगमे होते हैं, हाँ, हाँ। उसमें थोड़ा सा अच्छा जाता है, इस गाने में नहीं गया बिल्कुल। कोरस के साथ जब आया वो अच्छा लगा, वो अच्छा लगा। सिंगल जब आ रहा है ना तो वो पंच नहीं मिल रहा है बिल्कुल, वो पंच नहीं मिल पा रहा है मुझे। इसलिए मैं कभी भी है ना गाइस गाने सुनता हूँ ना तो मैं ओरिजिनल लैंग्वेज में सुनता हूँ बिल्कुल, और लिरिक्स भी कटार लेके आ बिल्कुल, क्या कटार लेके आ, तो बिल्कुल मैच नहीं कर रही। देखा जाएगा तो सूर्या भाई का जो जैसा ये है, सूर्या भाई का जैसा मतलब रुतबा दिखाया है इसमें, वो ही सबसे म्यूजिक तो एकदम परफेक्ट है जो देवी श्री प्रसाद जी ने बहुत अच्छा किया है, ठीक है ना। तो उनके हिसाब से परफेक्ट, एकदम परफेक्ट सॉन्ग जा रहा है, ठीक है। कंपोजिशन परफेक्ट जा रहा है बिल्कुल, लिरिक्स परफेक्ट जा रही है। एक काम करते गाइस, मैं आपको एक काम करते, हाँ, मैं एक बताता हूँ आपको, ओरिजिनल सुनता हूँ मैं। चलो अपन तमिल वाला वर्जन, तमिल वाला है ना, हाँ, तमिल वर्जन सुनते, चलो तमिल वर्जन सुनते, क्योंकि ओरिजिनल इसमें भले लिरिक्स ना समझे बट एक पंच समझ में आता है, क्योंकि सूर्या भाई अगर है अपने, सूर्या भाई वैसे ही बहुत बा कमाल एक्टर है, हाँ, और उनका एक रुतबा भी समझ में आता है, तो उनके हिसाब से वोकल्स लिए होंगे और प्रॉपर मैच हो रहे होंगे, तो हम लोग इसको सुनते हैं और इसको रिव्यू करते हैं, इसको रिव्यू करते हैं। वो वाला ठीक ठाक लगा मेरे को, हाँ, हिंदी वर्जन, हाँ। मैं तमिल वर्जन में आता हूँ और तमिल वर्जन को सुनते कैसा लगा बिल्कुल। क्या बात है, मिक्स भी अच्छा किया है, क्या बात है। इसमें भी थोड़ा सा उतना अच्छा लग रहा है ओरिजिनल इसमें, क्या बात है, ये हुई बात, इसमें आ रहा है फील,
यार सूर्या भाई यार मस्त लुक दिख रहा है। वाओ क्या बात है। इसमें आ रहा है फील। क्या बात है। बहुत पावर सॉन्ग है ये पार्ट रहता ही है। क्या बात है पावर। क्या बात है म्यूजिक। नाइस मस्त एलिमेंट यूज किया। वाओ ओहो क्या बात है क्या बात है। अरे क्या कॉस्टिक यूज किया है वाह। ये जा रहे हैं वोकल्स प्रॉपर। क्या बात है यार। वाओ गाइस एक चीज मैं बोलता हूँ कि मैंने जब ट्रेलर इसका रिव्यू किया तभी भी मैंने बोला था टीजर और ट्रेलर आया था मैंने रिव्यू किया था उसमें सूर्या भाई की मैंने तारीफ की थी क्योंकि इतना बढ़िया लुक दिख रहा है भाई का कि जिसकी हद नहीं। इसमें भी जो लुक दिख रहा है बहुत प्यारा है। और अगर म्यूजिक की बात करूं तो मुझे सबसे ज्यादा इसका रिदम सेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा लगा। कोरस भी अच्छा है। कोरस भी बहुत अच्छा है। गाना एकदम जैसा मतलब फायर सॉन्ग जो नाम है वो सच में फायर सॉन्ग है क्योंकि जैसे अपने सुपरस्टार है उनके ऊपर प्रॉपर जा रहा है एक जैसे उन्होंने अपना ये बनाया है ये मूवी में बिल्कुल ठीक है ना वैसा जा रहा है। और एक बात मैं जरूर बोलूंगा जितना भी रिदम सेक्शन है वो ऑब्वियस रिकॉर्ड किया है ठीक है बिल्कुल बिल्कुल तो रिकॉर्ड किया है तो इतना प्यारा साउंड कर रहा है इतना प्यारा मिक्स किया है वो गाने को पूरे इंस्ट्रूमेंट जितने भी रिकॉर्ड किए ना इतने प्यारे साउंड कर रहे उतने छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स उसमें डाले थे बिल्कुल वो छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐसे पर्कशंस भी डाले थे बिल्कुल और कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स डाले थे जो बहुत अच्छे आके जा रहे थे तो बहुत बढ़िया लग रहे थे। कंपोजिशन को कंपोजिशन के साथ इतना अच्छा खेला गया है रिदम ने इतना अच्छा खेला है कंपोजिशन के साथ जो देवी श्री प्रसाद और उनके अरेंजर जो है और म्यूजिशियंस जो है अपने बिल्कुल पूरे उन्होंने ये खेला है बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मुझे क्योंकि म्यूजिशियंस जो अपने है वो कीबोर्ड्स अपने केपी एंड विकास बाधिसा ने किया है रिदम कल्याण जी ने किया है बहुत बढ़िया और कोरस अरविंद जी है दीपक जी है श्रीनिवास साई शरण साई शरण एंड प्रसन्ना अधि तो ये लोग है। तो गाइज मेरे को बहुत अच्छा लगा और आई होप क्योंकि देखो गाइज वैसे भी अच्छे गाने नहीं ये आ तो कोरस में देखो यार सिंगर में देखना एक दो तीन लोग दिख रहे मेरे को नहीं एक दो तीन चार लोग है सुशांत क्या बात है यार। जो अपने ये है वीएम महालिंगम जी है ठीक है ना बिल्कुल तो सेंथी जी भी है। नाइस यार नाइस बहुत बढ़िया मेरे को अच्छा लगा गाइस क्योंकि वैसे जैसे कि मैं बात कर रहा था कि म्यूजिक वैसे भी ठीक ठाक आ रहा है आजकल
तो साउथ से वैसे भी थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन होती है, म्यूजिक से तो ये जो है, और म्यूजिक की भी, दोनों की भी एक्सपेक्टेशन, ये जो है थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन पूरी करने वाला आ रहा है अभी थोड़ा थोड़ा। मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी साउथ से बहुत सारी अपडेट आए यार, तो मजेदार होगा। वेंकी बाजी आपने भी लिरिक्स बहुत अच्छी लिखी होगी, ये जो हिंदी का उतना अपने को मजा नहीं आया इसलिए अपने को ओरिजिनल सुनना पड़ा, और ओरिजिनल में सच में अपने को मजा आया, बहुत बढ़िया, वाह मजा आया हमारे साउथ का गाना सुन के। बाकी और भी आप बताओ कि अगर हमसे कुछ छूट गया होगा तो, बाकी हम लोग तो वेट ही कर रहे हैं कुछ तड़कते भड़कते गाने का, बाकी लेट्स सी क्या होता है। बाकी अगर हमसे कुछ छूट गया होगा तो माफ कर देना, कुछ गलती हो गई होगी माफ कर देना, बाकी आप ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, जय जय भारत। Na 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 na